अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसकून, खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तीन ऐसे राज बताने जा रही हूँ कि आप सुन के हैरान ही रह जाएंगे। साथ ही आपको क्लिनिक का एक ऐसा हैक बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्दी से जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले अब तक आएँ। आपको इतना ज़बरदस्त मैं दो तीन टिप्स देने लगी हूँ कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे जब आप लोग करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी टिप शेयर कर लूं आपको, ये मैंने पहले भी वैसे शेयर की हुई है, अगर यहाँ पर चिकनाई आ गई है या क्लीनिंग नहीं सही तो जल्दी से आप लोगों ने दो चीज़ें उठानी है और सारी चिकनाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त आपके किचन के सिंक में चमक आ जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। वो दो चीज़ें कौन सी हैं आपको पता है? एक है जी स्पेशल हमारी किचन की सुगात, वो है जी मीठा सोडा। उसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है क्लीनिंग के लिए। साथ ही मैं लेंगू चमक के लिए, ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट जो आप लोग दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दो चीज़ों को आप लोगों ने ले लेना है और अच्छे तरीके से इस तरह आप लोगों ने रब करना है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सख्ती से करना है, हल्का सा करेंगे क्योंकि क्लीनिंग तो पहले ही हुई हुई है, लेकिन अब हम लोगों ने इसको चमकदार ज़बरदस्त चिकनाई से पाक करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों को यहाँ पर सिंक से रिलेटेड एक ज़बरदस्ती मैं टिप दे दूँ, उसके बाद हम लोग जाते हैं इसकी असल वीडियो की तरफ। वो तो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है क्योंकि उसमें आप लोगों को आज इतनी ज़बरदस्त कुछ बातें शेयर करने लगी हूँ कि आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब मैं हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आपको मैं एक ज़बरदस्ती टिप देती हूँ, उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त चमक जी आ चुकी है। अब आप लोगों को ज़बरदस्ती टिप जो देने जा रही हूँ वो ज़रा और से देख लें। आप लोगों ने जब भी बर्तन धोने हैं इस तरह से, जो भी कपड़ा किचन में रखते हैं आप लोग यूज़ करते हैं या टॉवल है कुछ भी है वो आप लोगों ने इस तरह से रख लेना है। इससे क्या होगा, जो पानी के छींटे होंगे या बर्तनों का पानी होगा वो आपके कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपने कपड़े धोएंगे। अब आप जाते हैं जी असल वीडियो की तरफ। वॉशरूम देख लें जी कितना गंदा है क्योंकि हम लोगों ने दो तीन दिन से क्लीनिंग ही नहीं की, क्योंकि मैंने आपको एक हैक करके दिखाना था और वो था बहुत ईजी। इतनी ज़बरदस्त आपसे मैं टिप्स शेयर करने लगी हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, आपकी आंखों के सामने ये जादू होगा। आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। अब आपको महंगी महंगी चीज़ें बाज़ार से लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने हल्का सा पानी लगा लेना है, ताकि पानी जो है पानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं बाकायदा फार्मूला तैयार करने नहीं लगी, क्योंकि मैंने वॉशरूम की जो पहले आपको वीडियोज़ दी हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने सोचा उससे भी कुछ आसान कर दूँ, उससे भी कुछ आसान, तो ये टिप उससे भी आसान है। वो भी बहुत आसान थी, ले ये उनसे भी आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ले लिया जी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें जी हम मैं अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर लूँ। आप लोग बिलीव करें जितने भी गहरे दाग होंगे, जितने भी ज़्यादा निशान होंगे, जितनी ज़्यादा देर के हैं, लेकिन वो आपकी आँखों के सामने मिनटों में ख़त्म होंगे। सेकेंड चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है जी सिरका। ये सिरका की बोतल स्पेशल मैंने अलहदा रखी हुई वॉशरूम के लिए, किचन के लिए अलहदा रखी हुई है, खाना बनाने के लिए मैंने अलहदा रखी हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त दोनों चीज़ों का रिएक्शन हो रहा है। मैं हल्का हल्का करके बस थोड़ा सा तकरीबन दो चम्मच मैं सिरके के फैला दूंगी अच्छे तरीके से। जहाँ पर ज़्यादा दाग है वहाँ पर कुछ ज़्यादा फैला दूंगी, जहाँ पर कम है वहाँ पर कम डालूंगी। अब आप लोगों ने ये लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर कुछ आपसे राज साथ साथ में शेयर कर लेती हूँ, फिर हम लोग इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। राज सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, जब भी आप लोगों ने वॉशरूम के अंदर जाना है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो आपका बायां पाँव है वो आप लोगों ने अंदर इंटर करना है। आप लोगों ने दायां जो आपका फुट है जो पाँव है वो इंटर नहीं करना। अब 5 मिनट के बाद यहाँ पर जी सबसे ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट वो हर घर में मौजूद होता है वो है जी सरफ, ठीक है जी। वो हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा सर्फ लेंगे, तकरीबन एक चम्मच आप लोगों ने लगा के इसको छोड़ देना है। नहीं भी छोड़ना कोई बात नहीं, आप साथ ही क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको किया, क्योंकि मैं बाकी काम करने लगी, 5 मिनट के बाद बस आप लोगों ने यकीन करें यहाँ पर हल्का सा ब्रश से प्रेस करना है, इसको रब करना है। इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों ने बायाँ अपना पाँव अंदर रखना है, उससे पहले एक काम बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो है जी वॉशरूम जाने
की दुआ, उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी शैतानों का कोई भी किसी भी कोई जिन का जिनियों का शैतान का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। वो इजी सी दुआ है, वो अगर याद नहीं होती आप लोगों ने अपने वॉशरूम के बाहर लिख के लगा लेनी है, अल्लाहुम्मीनी आऊज़ बिका मिनल खुबूसी वल खबासी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिनियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका तर्जमा है। आप लोगों ने जब भी अंदर जाना है तो ये दुआ पढ़ के जाना है, आप लोगों ने जब भी अंदर जाना है अपने सर को ढांप के जाना है, बगैर दुपट्टे के आप लोगों ने अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, आप लोग जब इन छोटी छोटी बातों की केयर नहीं करते, इनसे क्या होता है हमारे घरों में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अब हम लोग ये चेक करें कैसे जादू की तरह क्लीनिंग हुई है, बातों के दरमियान भी हमारी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब पानी से अब मैं आपको वॉश करके दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। ना तो हमें हरपिक करने की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई तेज़ाब, ना कोई सोडा, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोगों ने दो से तीन चीज़ें उठाई हैं, उठा के उनसे क्लीनिंग कर ली है और इतनी शानदार क्लीनिंग हुई है कि आप ख़ुद भी जब करेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है। और वॉशरूम के लिए ये छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर अपने जहन में रखा करें, आप लोग बिलीव करें। अगर मैंने आपको पिछली दो तीन जो वीडियोज़ थी वॉशरूम से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि आपको बहुत पसंद आई थी, थैंक यू सो मच उनको इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। प्लीज़ इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है और प्लीज़ इसको जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की आप लोगों को वीडियोज़ चाहिए या किस तरह की आप लोग क्लिनिक चाहते हैं, इंशाल्लाह वैसी ही आपको मिलेगी। थैंक यू, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू।